हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द डे टू ऑफ दिस मालवन ट्रैवल सीरीज़। और आज दूसरा दिन है, हम लोग सुबह 7 बजे उठ चुके हैं और हमें आज काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, क्योंकि जैसे कि कल लेट हो गया था तो हमने एक ही पॉइंट कवर किया था, देवबाग बीच। तो हम आज पहले देखते हैं कि हम कहाँ पे रुके हैं, उसके थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने वॉयज पे। सो लेट्स गो। अभी हम जा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट की ओर और मैंने एक मोनोपॉड ऑर्डर किया था मेरे 360 कैमरे के लिए, बट वो डिलीवर नहीं हुआ टाइम पे और निकलना पड़ा। तो मैंने एक सस्ता जुगाड़ लगाया अभी शूट करने के लिए। ये एक नॉर्मल सेल्फी स्टिक लिया, उसको तोड़ के ये ऐसा बनाया है। एक MC लिया, एक 1x4 इंच का स्क्रू लिया और उसको उसके अंदर डाल के MC लगाया है। तो देखते भी वर्क करेगा नहीं करेगा। लास्ट टाइम ऐसा ही मुझे एक बार करना पड़ा था, मैंने किया था और फिर से वो काम में आ जाए शायद। सो हम लोग अभी दांडी बीच का जो यहाँ पे फिश मार्केट है वहाँ पे आए हुए। ठीक होंगे काकू? काफी मासा काफी। काफी? कुरले केकड़ा। केकड़ा है? पापलेट। पापलेट। आनी है? मुसी। अच्छा। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं बोट पे बैठ के सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए। सो अभी हम लोग बोट पे बैठ के सिंधुदुर्ग फोर्ट जा रहे हैं एंड यहाँ पे हमें काफ़ी जल्दी टिकट मिल गया। लोगों ने काफ़ी भीड़ बना के रखी, लेकिन जो टिकट है वो हमने ले ली थी और एक जन लाइन में खड़ा था और एक जन ने टिकट ली थी। तो हमें पाँच मिनट के अंदर हो गया काम हमारा, हमको 5 मिनट के अंदर बोट भी मिल गई है। और वहाँ पे जो है सिंधुदुर्ग फोर्ट है, वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। सो चलते हैं, मिलते हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट में। की टिकट लेना पड़ता है अंदर आने के लिए। और उसके बाद खाने वगैरह की भी है सुविधा यहाँ पे अवेलेबल, अगर आपको कुछ खाना वगैरह है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे इस पूरे फोर्ट के अंदर ना मल्टीपल ऐसे वेल्स दिखेंगे, पानी है इनमें, शायद गांव वाले यहीं से पानी लेते हैं क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पे फ्रेश वाटर आता है, फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स है कुछ, तो जो गांव वाले जो पानी यूज़ करते हैं वो यहीं का पानी रहता है। और इसके अंदर पूरा एक लाइक विलेज बस वो वहाँ पे जो भवानी मंदिर है वहाँ से आप ऐसे नीचे उतर के आ सकते हो और यहाँ से जो है सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं।
हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पे पोर्ट में इंजॉय किया। लाइक यहाँ पे जो हम चढ़ के जो वॉल में एक बार चढ़ गए तो आपको फिर नज़ारे दिखते रह गए, है ना। सामने फोटोग्राफी चल रही है लेकिन आफ्टर विजिटिंग द ब्यूटिफुल सिंधुदुर्ग फोर्ट हम लोग अभी हमारे सेकेंड लोकेशन पे जा रहे हैं जो कि है स्कूबा डाइविंग। हम लोग स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं। सो सब लोगों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना तेरा? या सो सब लोगों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो देखते कैसा रहता है स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस, मज़ा आता है नहीं आता है। सो टिल देन आई विल कीप यू पोस्टेड। मैडी उतरने के पहले थोड़ा बहुत डर लग रहा है? डर सबको लगता है, गला सबको लगता है। सो हम लोग एकदम सिंधुदुर्ग फोर्ट के पास में आ गए फिर से स्कूबा डाइविंग करने के लिए। ठीक है, और अगर कुछ दिक्कत काफी सेफ एक्सपीरियंस है, बस सांस लेना सांस छोड़ना दो ही चीज करना है हमें, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो फाइनली हम लोग आज के डे टू के लास्ट स्पॉट पे आए हैं शिमला बीच पे, और ये हमारा आखिरी स्पॉट होने वाला है। और ये बीच जो है वो यहाँ पे पानी जो है काफ़ी तेज़ है, जैसे आप देख सकते हैं पानी जो है काफ़ी तेज़ है और काफ़ी भीड़ भी है इस बीच पे, काफ़ी भीड़ है। वहाँ पे पैरासेलिंग हो रहा है और बीच तो काफ़ी क्लीन मेंटेन किया है लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस बीच है। लाइक का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है मालवन का वो यही वाला बीच है, चिबला बीच। इसके आसपास आपको काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे रहने के लिए, तो बीच हाउस वगैरह जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इजीली। सो लेट्स एंजॉय द डे। सो फाइनली आफ्टर कवरिंग थ्री स्पॉट्स ऑन डे टू, दैट इज़ पहले सबसे पहले हम सिंधुदुर्ग फोर्ट गए थे और उसके बाद हमने और एक स्पॉट कवर किया जो कि स्कूबा डाइविंग था, जो कि सब लोगों के बकेट लिस्ट में था और किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी प्यारा था। और तीसरा हम लोग गए चिबला बीच जो कि काफ़ी शांत बीच है, लाइक उसकी लहरें जो है ना वही उसी में मज़ा आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर डे टू। सो हम लोग डे टू के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।